दीदी बोली थी अंजलि बड़ी बदमाश है, अंजलि जब 2 महीने के थी तब के बाद बता रही हूँ ना, बड़ा बड़ा बहुत अच्छे से पूरा घना सा था, तो एक हाथ से ऐसे बाल पकड़ती और खूब चिल्लाया, तो बहुत खोजने पे सारा बक्सा का कपड़ा निकाल के उलट पलट के खोजाई में आज पूरा 2 घंटा लगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा, तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज़, आप सबको अच्छा लगेगा। तो वहाँ तक धूप के लाए, इधर मैं धुल रही हूँ और आप सबको दिखाने के लिए पानी कहाँ जा रहा है तो अभी दिखाती हूँ आप सबको, इधर मैं धुल लेती हूँ, पूरा वैसे साफ हो गया है। यहाँ से बट्टे को धुली तो बर्तन यहीं पे भिगा दी हूँ, बर्तन अभी धुल लेंगे। अभी एक तो खुला है तो सब हवा धूल मिट्टी उड़ के आता रहता है जब आंधी आता है। पूरा धुल लिए हैं और देखिए किचन गार्डन में यहीं से पानी जा रहा है। तो हम कपड़ा धोने में वहाँ साफ सफाई करने में लगी थी, चंदन के पापा वहाँ क्यारी बनाए, यहाँ पर हम सब चाय पीने जा रहे हैं। अंजलि हमारी चाय आज नहीं पिएगी, आज नहीं पीना है तो यहाँ काली चाय बना था यही पी रहे हैं हम सब। तो हम सब चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं, यहाँ चांदनी भी आ गई, चांदनी भी नहीं चाय पी थी। तो आज सुबह सुबह राशन मिल रहा है और राशन कार्ड खो गया कहीं पे, वही खोजने में लगे हैं, तो यहाँ बक्सा सारा खोल दिए हैं तो कहीं दिख नहीं रहा है नदी के, तो इसमें सब में भी नहीं है, फोटो सब यहाँ है तो ही राशन कार्ड है, खोजने के चक्कर में पूरा बक्सा पलट रहे हैं तो कहीं नहीं मिल रहा है। कहाँ है इतना जल्दी आसान से मिलेगा, तो आज खोल के चेक कर रही हूँ। तो खोज लेते हैं, देखते हैं आज कहाँ मिलेगा, आधा घंटा हो गया। तो हमारा खाना बन गया है, खाने में आज बना है नदी के, तो यहाँ उबला आलू का सब्जी बना है उबाल के रखे थे, और यहाँ पर रोटी बन गया है, चावल भी बन गया है, इधर दाल भी हमारा बन गया है, सब खाना बना ली हूँ। तो हमारी एक बहन बोली है कि संगीता जी आप 2 तरह का सब्जी क्यों बनाती हो, तो सब्जी 2 तरह का कहाँ होता है, एक दाल होता है एक सब्जी होता है, तो दाल कुछ सस्ता पड़ जाता है, अगर हम सब्जी सिर्फ बनाएंगे तो महंगा पड़ेगा, तेल भी ज़्यादा लगेगा मसाला भी ज़्यादा लगेगा, दाल में मसाला कम रहता है और बच्चे दो टाइम खाते हैं सुबह एक दोपहर को, तो सब्जी कम पड़ जाएगा, तो इसीलिए दाल बनाना पड़ता है और सब्जी भी साथ में बनाना पड़ता है। ले चलते हैं खाना को घर में रख देते हैं, और राशन कार्ड मिला नहीं तो यहाँ पर खाना को लाकर रख दी, चावल भी रखना। तो बहुत खोजने पे सारा बक्सा का कपड़ा निकाल के उलट पलट के तब जाकर राशन कार्ड मिला, यहाँ पर राशन कार्ड पड़ा है देखिए, सारा सामान अभी एक दिन का काम हो गया और ये मेरा राशन कार्ड मिल गया यही है, तो अगर ये मिलता नहीं तो राशन मिलेगा ही नहीं, तो जा रही है राशन लेने। तो सभी मास्क नमस्ते, तो यहाँ पर मैंने राशन कार्ड ले लिया तो अभी यहीं पड़ोस के साइकिल मांग के लेके जाएंगे राशन लेने। हाँ तो साइकिल नहीं है चंदन के पास, चलाना तो जानते हैं सीख लिए हैं,
लेकिन साइकिल नहीं है तो फिर भी चलाते रहते हैं सभी का इधर उधर का मांग कर। तो बोरा मांग रहे हैं, ये वाला बोरा देखो ये। तो कभी चंदन बड़े होंगे कमाएंगे फिर साइकिल लेंगे, है ना चंदन, है ना? हाँ 20 किलो। हाँ 20 किलो, तो 20 किलो चावल मिलेगा। जा रहे हैं चंदन। और बैगन खड़ा हुआ, बैगन को तोड़ लेते हैं। चीटियाँ सब लसी हैं इसमें बैगन में, तो यहाँ पर तोड़ के रख रहे हैं। अंजलि माता हुआ है बैगन पे चीटी बहुत, ये काटने वाली चीटी सब लगी है। तो यहाँ पर चंदन अरबी लाए हैं, करीब 1.5 किलो अरबी है, तो यहाँ झोले में तोड़ के रख रहे हैं। तो दिखा दो नजदीक से अरबी को, देखिए कुछ इस तो कुछ इस तरह रहता है अरबी, इसको तोड़ना पड़ता है, इसमें जड़ भी रहता है। तो बाज़ार में इसी तरह साफ करके अरबी मिलता है, ये देखिए। तो यहाँ मैं तोड़ के रख रही हूँ। तो अरबी को यहाँ पर रख दी झोले में, तो लेटर ख़राब हो गया, माचिस से जला रही हैं यहाँ पर। और इसी कढ़ाई में सारा सब्जी फ्राई की थी, फ्राई कर देते हैं, अभी कढ़ाई भी गिर जाता है। इसको डाल दी हूँ और इधर मसाला घोल ली हूँ। तो ये पूरा मसाला नहीं है, लहसुन मिर्ची और प्याज का पेस्ट है। तो आधा किलो शिमला मिर्च था, फ्राई कर दी, इतना बचा है। आलू यहाँ पर घोल ली हूँ, तो यही सब्जी बनेगा। यहीं पे डाल देते हैं जीरा को। हमारा चावल पक गया है, अच्छी तरह से पक देते हैं। तो यहीं पे डाल देते हैं मिर्ची और लहसुन को। तो तड़का हमारा भून गया है, यहीं पे मसाला को डाल देते हैं। तो तड़का बिल्कुल भूने नहीं है, मसाला को डाल दी हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। तो दोस्तों अंजलि का एक दो बहनें हमारी बहुत शिकायत की थी, कुंजन डांस कर रही थी गमले के पास, अचानक जाकर अंजलि ऐसे ढकेल दी थी। तो इसका रीज़न ये था, मैं वीडियो में बताया भी नहीं पाई थी, देखना शॉर्ट वीडियो डाली हूँ, एक दिन का था, अभी 3 दिन का। तो ये गुंजन इसको डांस करने नहीं दी कि अंजलि तुम मत आओ, अंजलि सही से डांस नहीं कर पाती। इसको साइड में कर दी, तो ये दौड़ के, हम लेटे हुए थे और चांदनी वीडियो शायद चंदन बना रहे थे, चांदनी भी डांस कर रही थी। तो गुंजन ने इसको हटाई निकाली थी, तो इसीलिए ढकेली थी। तो दीदी बोली थी अंजलि बड़ी बदमाश है, ऐसा है वीडियो में ये गुंजन को इतना चोट लग गया, मतलब कई हमारी बहन शिकायत की थी। उस दिन कमेंट बॉक्स भी अपने आप से बंद हो गया था। तो अंजलि जब 2 महीने के थी तब के बाद बता रही हूँ, ऐसे बाल तो इसका इतना बड़ा बड़ा बहुत अच्छे से पूरा घना सा था। तो एक हाथ से ऐसे बाल पकड़ती और खूब चिल्लाया करती थी, दिन में 10 बार पकड़ती, खुद अपना बाल नोचती और खूब चिल्लाती। तो इसको लग रहा वो समय ऐसा लगा, इसको लग रहा था कि कोई दूसरा नोच रहा है, नहीं तो जब दर्द होता था तो ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे चिल्लाया करती थी। तो वही बात मैं 2-3 बार रिपीट कर दी, तो बचपन से इसी तरह है। तो इसको एक दिन पुलिस को ज़रूर बुलाऊंगी, सच में बता रही हूँ, बस भिजवा दूंगी। और पुलिस में मौसी भी होती है, एक दिन पुलिस वाली मौसी फ़ोन भी की थी इसको शिकायत करने के लिए, उसी वीडियो के वजह से, गोरखपुर से। तो वो बराबर हमारी दीदी वीडियो देखती हैं, अच्छा लगता है, वीडियो कॉल करके इंस्टाग्राम पे बात कर रही थी और इसको डरा रही थी कि अंजलि हम पकड़ ले जाएंगे एक दिन। तो ये हंस रही थी, कह रही थी कि हमको पकड़ के ले जाकर क्या करोगे। तो ऐसा कुछ हो जाता है तो आप समझ सकते हैं बचपन से ये ऐसे शरारत है। तो एक दिन तो पुलिस से पकड़वाना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ये ज़्यादा हद से ज़्यादा तंग कर देती है। तो इस पर हमें कोई नाराज़गी नहीं। कल वाले कमेंट में हमारी एक बहन बोल रही थी संगीता माफ़ करना, मैं कमेंट गलत कर दी थी उस दिन। कोई बात नहीं, बच्चों के पर जैसे आप वीडियो में देखोगे उसी तरह कमेंट करोगे,
तो इसमें जब हम सोशल मीडिया पे हैं तो कभी शिकायत कभी कुछ आपस में तो लगा रहता है, और जब एकदम से हेट कमेंट आ जाता है तब जाकर थोड़ा मन दुखी हो जाता है कि इतना मेहनत करते हैं फिर भी कमियां निकालते हैं, और फिर भी देखिए तबीयत भी ख़राब रहता है, खाना अब बिल्कुल नहीं बनाती, तला भुना डॉक्टर मना किए हैं। तो मैं सोचती हूँ जैसे मैं पहले बीमार तला भुना खाने से हुई, हो सकता है बच्चों को खिलाऊंगी तो ये भी बीमार पड़ेंगे। वीडियो का रैंकिंग भी घट गया, मतलब वीडियो ज़्यादा नहीं चलता, तो जैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। नमस्ते।